गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको मिर्ची पकौड़ा बनाकर दिखाऊंगी। ये मिर्ची बहुत स्वादिष्ट होती हैं और झटपट बन भी जाती हैं। इसको खाकर आप मार्केट की चाट को भूल जाएंगे। तो मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए मैंने ये 6-7 मिर्ची ली हैं। ये बिल्कुल सुंदर सी हैं और मैंने इनको धो लिया, अच्छे से पोंछ लिया और सुखा लिया है। मिर्ची पकौड़ा बनाने के लिए मैं पहले बेसन का घोल बना लेती हूँ। ये मैंने 1/4 कटोरी बेसन ले लिया है। इसको इस बॉल में डाल लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन डाल देती हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हींग डाल लेती हूँ। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करूंगी। बेसन में ना इकट्ठे से पानी नहीं डालना है, मिलाते जाएंगे और उस हिसाब से पानी डाल लेंगे इसमें। देखिए, बेसन का घोल अच्छे से तैयार हो गया है। ना इसको ज्यादा पतला रखना है और ना ज्यादा गाढ़ा रखना है। अब इसको 10 मिनट के लिए बंद करके रख देते हैं, अच्छे से सेट हो जाएगा। तब तक मैं मिर्च में भरने के लिए आलू तैयार कर लेती हूँ। ये मैंने 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए, जिनको मैंने बॉयल कर लिया है और अच्छे से छील लिया है। देखिए, आलू को मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है, गैस को ऑन कर दिया है। अब इसमें ऑयल डाल देते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ, थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। बारीक कटी हुई अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाल देती हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें आलू डाल देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब इसको मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ा सा गरम मसाला डाल देती हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब मेरा मसाला रेडी हो गया है। अब इसको थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। अब मैं मिर्च में इस तरीके से चीरा लगा देती हूँ। आप चाहें तो इसके बीजे निकाल सकते हैं, क्योंकि बीज रहने से थोड़ा सा तीखा ज्यादा रहेगा, तो बच्चे वगैरह को खाने में प्रॉब्लम होगी। थोड़े बहुत बीजे रह जाएंगे तो चलेगा। ये देखिए, ऐसे ही मैं सारी मिर्ची में चीरा लगा लेती हूँ। ये देखिए, इस तरीके से। सभी मिर्चों में ये चीरा लगा लिया है। अब स्टफिंग इसमें भर देते हैं। अब मैं स्टफिंग आलू की भर लेती हूँ मिर्चों में। देखिए, मैंने इस तरीके से भरा है। ऐसे ही मैं सारी मिर्चें भर लेती हूँ। देखिए, मैंने सारी मिर्चों को अच्छे से भर लिया है। अब इस बेसन में मैं 2 pinch सोडा डाल देती हूँ। सोडा सबसे एंड में डालना और सारी चीजें पहले ही मिक्स कर दें। अब मैं एक एक मिर्च को इसमें डिप करूंगी अच्छे से, ये अच्छे से हो जाए। जी, मैं बेसन अच्छे से लगा लिया है और गैस पर एक पैन में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। अब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, फिर मैं एक एक करके मिर्ची उसमें डालती जाऊंगी। अब इसको डाल देती हूँ उसमें। ऐसे ही मैं दूसरी डाल देती हूँ। अब इन मिर्चों को मैं पलट लेती हूँ। मिर्च को मैंने पलट लिया है, उस तरफ भी मिर्च सिक जाए। ऐसे ही मैं सारी मिर्चें सेक लेती हूँ। देखिए, मिर्ची पकौड़ा बनकर तैयार है। कितनी सुंदर बनी है ये, फुल मार्केट स्टाइल। आप सभी अपने घर पर जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। Thank you.